আবারও ভাটপাড়া উত্তপ্ত। তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দলে 17 নম্বর ওয়ার্ডে ফের চলল গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল তৃণমূল নেতা দিগ্লেশ সিং। অভিযোগ, ভাটপাড়া পৌরসভার কাউন্সিলর সুনীতা সিংয়ের ছেলে নমিতা সিং দিগ্লেশ সিং এবং ওপরে গুলি চালায় এবং অল্পের জন্য দিগ্লেশবাবু রক্ষা পান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভাটপাড়া থানার পুলিশ। আর এই গুলিকাণ্ডের ফলে এলাকায় যথেষ্ট থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় পুলিশ টল দিচ্ছে। 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধির বিশেষ প্রতিবেদন। কোন ভাবে আমাদের দলের লোককে বদনাম করে অফওয়া ফাইলিয়ে কিছু একটা করে একটা পুলিশ সিকিউরিটি পেয়ে গেছে। ও সিকিউরিটি লেকার ও আমারে 18 নম্বর ওয়ার্ড মে ঢুক কে जिसको तिसको चमका रहा है, पूरा बात बोलने दीजिए, जिसको तिसको चमका रहा है, तोलाबाजी कर रहा है, जिससे किससे पैसा मांग रहा है, किसी भी 2 नंबरी काम में और नाजायज काम में रहने वाला कभी भी टीएमसी का कोई नेता कार्यकर्ता उसका सपोर्ट नहीं करता है और उसके पक्ष में आके खड़ा नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ? पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ये आप लोगों को भी पता है। आज घटना क्या हुई बताइए। आज आपका घर है 17 नंबर वार्ड में, आप राजनीति करते हैं 17 नंबर में। हमारी माँ यहाँ के काउंसिलर है, हम लोग इस वार्ड को चलाते हैं, देखते हैं। हमारे वार्ड में बैठ के आप डेली आके बैठते हैं, चलिए ठीक है, आप हमारे पार्टी के आदमी, आप आकर हमारे वार्ड में बैठ ही सकते हैं। तो आज आपको बैठने दे दें इसका मतलब आप वार्ड में घुस के दखलंदाजी कीजिएगा, किसी से पैसा मांगिएगा, किसी से तोलाबाजी मांगिएगा, अपना पुलिस स्कूटी और अपने पास जो लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी हथियार सरकार किस लिए दिया है? कि आपकी सुरक्षा के लिए ना, कि उस हथियार का सहारा लेकर आप रास्ते को ओपन टेबल के ऊपर उस हथियार को रख के गोली रख के आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर? ये उत्तर प्रदेश है ना बिहार है। आज हमारा भाटपाड़ा 19 के बाद जितना सुधरा है और 24 के चुनाव के बाद भी, 4 तारीख के बाद भी जितना शांत भाटपाड़ा रहा है, उस इलाके में अगर इनके जैसे लोग रास्ते के ऊपर ऑन रोड टेबल पर अपना हथियार और गोली रख के अगर उसको प्रदर्शनी करेंगे और उसके बाद इलाके में उस चीज को दिखाकर तोलाबाजी करेंगे और लोगों के संग अपशब्द व्यवहार करेंगे और गलत बोलेंगे, तो इसका प्रतिवाद तो हम लोग करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? इसी का प्रतिवाद हुआ। प्रतिवाद होने के साथ साथ वो हॉट टॉक करने लगे, लगे उल्टा पुल्टा बोलने। जब इस चीज पे हम उनको रोकने गए तो वो हमको भी गाली देने लगे और हमको गाली देते थे। जब बोले हम बोले देखो तुम गाली मत दो, अब नहीं ठीक हो रहा है, तो हमको बका बोले कि तुम्हारे पास ही नेता है, हमारे पास भी हमारा बहुत नेता है। तो हम बोले हमारे पास कौन है? हम जैसे बोले हमारे पास कौन सा नेता है? तो बोल रहे अब वो जगदल विधायक को नाम लेकर उनको अब सब गाली देने लगे। जब वो हमारे विधायक को गाली देना शुरू किए, गंदा गाली, तब हम लोग भी उनको काउंटर गाली देने लगे, तब गाली गलौज होने लगा। गाली गलौज होते होते ये उनके साथ एक लड़का है, वो लड़का एक आदमी के घर में घुसकर वहां से एक हथियार लाता है। हमारा कहना में ये पुलिस से भी बोले और आपके माध्यम से भी जानना चाहते हैं और सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो वो हथियार आपके कमर में होगा। गोली चला है? हाँ, गोली चला है। पूरा बात बोल देखिए, आप बोली 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 उसका आपके पास अगर लाइसेंसी हथियार है तो आप उस हथियार को अपने शरीर के साथ रखिएगा, चाहे अपनी सिक्योरिटी के पास दीजिएगा, कि ना कि किसी के घर में रख के आइएगा। इसका मतलब ये गोली किसी लाइसेंसी हथियार से नहीं चला है, ये डिक्लेश सिंह के पास कोई अवैध हथियार है, जिस हथियार से 2 राउंड गोली चलाए हमारे ऊपर, एक बार वहाँ और एक बार यहाँ। 2 राउंड गोली आपके ऊपर ही टारगेट एम करके चलाया, लेकिन हम लोग वहाँ से हटे नहीं। ये गोली क्या उनके साथ जो लाया कि डिक्लेश सिंह ने चलाया? नहीं, जो लड़का ला के दिया डिक्लेश सिंह को, डिक्लेश सिंह अपना हाथ से गोली चलाया। ठीक है। और वो गोली चलाया अब जब देखा कि हम लोग भाग नहीं रहे, हम लोग डट के खड़े हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा गोली बंदूक हम लोग बहुत कुछ देखे हैं, तो ये फिर यहाँ आके गोली चलाया। फिर जब हम लोग वहां से पुलिस के साथ लेकर, अब पुलिस के सामने गोली चल रहा है। यहाँ पे सबसे हंसी की बात ये है कि पुलिस के सामने गोली चल रहा है, प्रशासन दर्शन दर्शक बन के देख रही है। प्रशासन उनका सिक्योरिटी भी मुख दर्शक है, कि उनके सिक्योरिटी के पास ये अधिकार नहीं है कि उनका अगर VIP गोली चला रहा है तो उस गोली को उस रोके, उस हथियार को वो सीज करे, उसको रोके। फिर उसको सिक्योरिटी को धक्का दे रहे हैं, उसका सिक्योरिटी उनको रोकने जा रहा है। यही रहते हैं, हमारा वहाँ पे किराए का घर है, वहाँ पे 17 और 18 का बॉर्डर है, हम ऐसे भी वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन आज जो है हमको
अगस्त महीने का हिसाब करना था, हम सबको बुला के हिसाब कर रहे थे, अचानक थाने से दो पुलिस आए, वो मेरे को सिंपल सा पूछे कि ये लेडीज़ है, लेडीज़ को आपको थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। मैं बोला वो एड्रेस है, ठीक है हम उसको बुला दे रहे हैं, आप एक काम करिए आप जो है थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए, हम बुला देंगे। बस नमित सिंह फ़ोन करके बोला कि पुलिस को क्यों बैठा रहे हो, पुलिस को नहीं बैठाओ, ये हमारा इसको बोला फोन मेरे को बोल रहा है। अच्छा कि पुलिस को क्यों बैठा रहे हो, ठीक है। तो मैं बोला कि पुलिस तो भाई बैठ गया तो क्या दिक्कत है, पुलिस अपना काम करेगा। नहीं आप जानबूझ के पुलिस को बुलाए हो। मैंने बोला मैं भाई पुलिस को क्यों बुलाऊंगा, पुलिस को कंप्लेन करने जो गया होगा कंप्लेनर गया होगा, वो कंप्लेन किया है कोई 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 कंप्लेन हुआ होगा, कंप्लेन किया होगा, कंप्लेन था क्या यहाँ पे, कोई लेडीज का कंप्लेन था, वो कोई कश्मीर से आया हुआ था, उसका वो कश्मीर से आया हुआ था और उसका उसको शादी का भरोसा दिया था, तो उसको शादी ना करके उससे 80,000 रुपया जो है उसका लूट लिया है। कौन? वही लोग लेडीज जिसको खोजने आया था। तो मैं बोला आप ये एड्रेस है, आप एड्रेस में जाइए तो मिल जाएगा, ठीक है। यही सब बात हो रहा था तब तक वो मेरे को बोल रहा है कि आप यहाँ से पुलिस को भगा दीजिए। मैंने मैं क्यों भगाऊंगा पुलिस को, अरे पुलिस का अपना काम करने दो। और पुलिस था वहाँ पे, अचानक से 100 लोगों को लेके आया और बिल्कुल धक्का मारते हुए एकदम गोली फायर करते हुए एकदम धाम धाम गोली। उसके बाद वो नमित सिंह, हाँ नमित सिंह, और बोला बम लेके आओ। तो मैं बोला तेरा तो काम है बम लाना, तू NIA का पुराना आदमी है, NIA में दो बार फंस चुका है, NIA तेरे गोली उठा के ले गया था, अब तू बम ला। मैं बोला कि मारो भाई, मारना है तो मारो, सबके सामने बोल रहा हूँ मार, हमको भागना नहीं है, ठीक है। यही सब करते करते मेरे गार्ड को मारा, गार्ड का हाथ फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको थाना में लेके जा रहे हैं, वहाँ से मेडिकल करेंगे, उससे बात करना है। तो भी तो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के भी पुलिस कर्मचारी हैं। हाँ कर्मचारी। रमेश सिंह आप तो एक ही पार्टी का आदमी है, देखिए यहाँ मेडल मेडल पार्टी का नहीं है, पार्टी 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 में बहुत सारे लोग पार्टी दल बहुत लोग करता है, लेकिन वो उसकी मम्मी कौंसिलर है, वो तो NIA का खटा हुआ आदमी है, ठीक है, उसका तो अलग रिकॉर्ड है सबको मालूम है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं थाना में, वो गार्ड साहब का है जो चोट लगा है CP साहब को, वो बात करेगा और IC से बात करेगा, क्या करना है वो करेगा, हमारे कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट करने जा रहे हैं। तो ये घटना एक्चुअली घटा कहाँ पर? ये घटा था 17 और 18 के बीच में, 17 और 18 का बॉर्डर है, और 18 का जो गली है इस तरफ 17 है, उस तरफ 18 है, और 18 में हमारा घर किराए पर है, जो हम किराए पर घर दिए हुए हैं, ठीक है। और एक्चुअली में क्या है ना कि इन लोगों को जो मेरा जो है ना गुंडा राज खत्म करो, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इन लोग कौन कौन? इन लोगों को मतलब जो जिनको जिन जो NIA में फंसे थे, जो 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 नमित सिंह के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ तो उसको NIA तो वही खटा है ना, छोटे NIA तो वही किया है, NIA तो वही किया था। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? दिग्रेश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट Town 2। आज ए पर्यंत, संगे রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া TV, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর, সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া TV পর্দায়। নমস্কার।